दो छोटे अस्पताल गुड़गांव के अंदर भी उनका उद्घाटन करना है। एक ही दिन में 1400 बेड की बढ़ोतरी। अभी तक जो हमारी जो ऑक्सीजन बेड्स यानी आईसीयू बेड्स वेंटिलेटर्स ये सब कुल मिलाकर के हमारे 17,500 बेड्स अभी तक उपलब्ध थे, जिनका 13,000-14,000 बीच में प्रतिदिन उपयोग होता था, आज से 1500 और बढ़कर के 19,000 बेड्स हो जाएंगे और ये बेड्स लगातार बढ़ते रहेंगे। अब बहुत संस्थाएं भी आगे आई हैं, हमारा सरकारी जितना स्ट्रक्चर है उसको भी हम बढ़ाएंगे, तो इन बेड्स को बढ़ाते चले जाएंगे। जहां तक आइसोलेशन वार्ड्स की बात है, कोविड केयर सेंटर्स की बात है, 45,000 बेड्स हमारे इसके अलावा भी हमने तैयार किए हुए हैं, जहां किसी प्रकार का आइसोलेशन केंद्र जो बनेंगे, कोविड सहायता केंद्र जो बनेंगे, ऐसी जगह पर 45,000 बेड्स भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। हम लोग इस दूसरी वेव में, मैं समझता हूं इसका जो डाउनफॉल है वो शुरू हो गया है, आशा करता हूं कि यहीं पर ये रुक जाए, लेकिन भरोसा नहीं है। कुछ विशेषज्ञ अब तीसरी वेव की बात भी करने लग गए हैं। तीसरी वेव आए कि नहीं आए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम तो तैयारी करनी है। इसलिए कहावत है कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। हम अच्छी की उम्मीद करेंगे, लेकिन अगर कोई बात ऐसी अगर कोई अनहोनी होती है, खराब होती है, तो उसकी तैयारी की हमको करनी है। और इस करने में इस महामारी के साथ डट करके मुकाबला करना, इसका साहस भी हम सबको बना करके रखना है। न केवल सरकारी अधिकारियों को, न केवल हमारे डिपार्टमेंट्स को, न केवल ब्यूरोक्रेट, न केवल हमारे नेताओं को, बल्कि जनता को भी, जनता को भी मनोबल बना के रखना है, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है जो सबके लिए संकट है, सबको मुकाबला करना है, मानवता के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जानी है।